अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ है धेना। फेस पर छाइयां आ रही हैं, एक्ने पिंपल्स के मार्क्स हैं, किसी भी तरह का कोई डिसकलरेशन है, डार्क स्पॉट्स हैं, कॉम्प्लेक्शन फेयर नहीं है, एजिंग के साइंस आ रहे हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, फाइन लाइंस आ रही हैं, आपकी स्किन में वो शाइन नहीं रही, सपलनेस नहीं रही, तो ये आज की रेमेडी आपके लिए ही है। अभी जब आप इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो आप खुद कहेंगे कि ये तो बिल्कुल हमारी स्किन पर 100% वर्क करने वाले हैं। किसी भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन से पहले इंटरनली आप अपनी बॉडी को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करें जिसकी उसको नीड होती है। पानी आप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा रखें। जब अपनी बॉडी को आप इंटरनली हेल्दी रखेंगे, क्योंकि जो कुछ हम इंटरनल अपनी बॉडी को देते हैं वही एक्सटर्नल हमारी बॉडी पर नज़र आता है। तो इंटरनली अपना ख्याल रखें और एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए जो मैं ये मास्क बता रही हूँ इसको रेगुलर फॉलो करें, आपके स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स लाजमी सॉल्व हो जाएंगी। इस मास्क की एप्लीकेशन से पहले आपने अपनी स्किन को क्लीन करना है और क्लीन करने के लिए सबसे बेस्ट है रॉ मिल्क यानी कच्चा दूध। जी, कच्चा दूध हमारी स्किन को बहुत अच्छी तरह क्लीन कर देता है। इसमें मौजूद लैक्टिक एसिड हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा पोटेंट होता है। तो बस आप 2 टेबल स्पून रॉ मिल्क, अगर रॉ मिल्क आपके पास ना हो तो जो पका हुआ दूध है आप वो भी ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर है कि आप रॉ मिल्क यानी कच्चे दूध का इस्तेमाल करें। इसमें आप ऐड कर लें 1 से 2 पिंच यानी 1 से 2 चुटकी अम्बा हल्दी जिसे वाइल्ड टर्मेरिक भी कहते हैं, कस्तूरी हल्दी भी कहते हैं, ये किचन वाली हल्दी नहीं है, पंसार की शॉप से बहुत ईजिली मिल जाती है और अब आपके पास लाजमी होनी चाहिए, इसलिए कि फेस की जितनी भी रेमेडीज़ होती हैं उनमें ऑलमोस्ट इस हल्दी का यूज़ होता है। ये हल्दी, ये जो वाइल्ड टर्मेरिक है, आपके स्किन के लिए एक मिरेकल है, कॉम्प्लेक्शन को फेयर करती है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, आपके स्किन पर किसी भी तरह के कोई मार्क्स हों उनको रिमूव करने के लिए, एक्ने के लिए, पिंपल के लिए, फ्रैकल्स के लिए, जो झाइयाँ पड़ जाती हैं उनको भी रिमूव करने के लिए ये कस्तूरी हल्दी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। अपनी जो भी रेमेडीज़ फेस से रिलेटेड होती हैं उनमें कोशिश किया करें कि कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर करें। कस्तूरी हल्दी आपकी स्किन को स्टेन नहीं करती, यानी कि कोई पीलापन आपके चेहरे पर नहीं रहता। जो किचन वाली हल्दी है वो अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका स्टेन आपके स्किन पर रह जाता है। अब इस मिल्क को आप कॉटन की मदद से अपने पूरे फेस पर लगा लें, 10 से 15 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए और फिर उसके बाद अपने फेस को आप नॉर्मल वाटर से, कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करना, नॉर्मल वाटर से आप वॉश ऑफ कर दें। अब आपको प्रिपेयर करना है ये मास्क, जो कि निहायत हाइड्रेटिंग है। एक बार के यूज़ से ही आपके स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, इतनी सपल हो जाएगी और कॉम्प्लेक्शन भी आपका फेयर होगा। तो इस मास्क को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए क्यूकम्बर के पील। जी, पूरा क्यूकम्बर, पूरा खीरा नहीं लेना है, सिर्फ इसके जो छिलके हैं आप उनका यूज़ करेंगे। और क्यूकम्बर खीरा तो आप सभी जानते हैं कि हमारी स्किन के लिए कितना ज़्यादा हाइड्रेटिंग होता है, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। स्किन पर मार्क्स को रिमूव करने के लिए, कॉम्प्लेक्शन इम्प्रूव करने के लिए क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं सिर्फ क्यूकम्बर के पील यानी छिलके। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो आपको इसमें यूज़ करना है वो है ऑरेंज के पील। जी, आजकल ऑरेंज का सीज़न है तो आप यहाँ पर फ्रेश पील यूज़ करेंगे। रेगुलर एक ऑरेंज आप खा भी लें और उसका जो पील है वो रेगुलर आप अपने फेस पर इस तरह बना के मास्क के तौर पर आप लगा सकते हैं। यहाँ हम ऑरेंज पील का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी ऑरेंजेस का सीज़न है तो हम यहाँ पर फ्रेश ऑरेंज के जो पील हैं उनका यूज़ करेंगे। जब सीज़न नहीं होगा तो उस वक्त के लिए आप ऑरेंज पील पाउडर बना के अपने पास सेव कर सकते हैं, पूरे ईयर के लिए भी सेव कर सकते हैं, लेकिन जब तक सीज़न है तब तक फ्रेश ऑरेंजेस के पील का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि फ्रेश तो फ्रेश होता है और उसकी पोटेंसी बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड इंग्रेडिएंट जो इसमें यूज़ करेंगे वो है एक मीडियम साइज़ का पोटैटो यानी आलू। आपको एक छोटे से साइज़ का पोटैटो ले लेना है, आपको इसको अच्छी तरह धो लेंगे लेकिन इसको पील नहीं करेंगे यानी इसके छिलके रिमूव नहीं करेंगे। ऐसे ही छोटे टुकड़े काट के आप आलू के इसमें ऐड कर देंगे। आलू कॉम्प्लेक्शन को भी फेयर करता है, आपके स्किन से सारे मार्क्स को भी रिमूव करता है और आपके स्किन पर जो सपलनेस और जो सॉफ्टनेस आती है वो तो मैजिकल होती है।
तो इन तीनों चीज़ों को आप थोड़ा सा पानी डाल के अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद आप इनको किसी कपड़े की मदद से छान लेंगे। अब आपको लेना है 1 से 2 टेबल स्पून बेसन। अगर आपको बेसन सूट नहीं करता तो आप जौ का आटा ले सकते हैं। जौ का आटा सूट नहीं करता तो आप चावल के आटे का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जो हमारे घर में आटा यूज़ हो रहा है आप वो भी ले सकते हैं, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। दूसरी चीज़ जो आपने इसमें ऐड करनी है वो है 1/2 टेबल स्पून अम्बा हल्दी, कस्तूरी हल्दी कहते हैं, जिसे वाइल्ड टर्मेरिक कहते हैं। 1/2 टेबल स्पून आप इसमें ऐड करेंगे, और 1/2 टेबल स्पून आप इसमें ऐड करेंगे सैंडलवुड का पाउडर यानी संदल का पाउडर। संदल का पाउडर भी हमारी स्किन के लिए एक मैजिक है, कलर को फेयर करने के लिए, आपके स्किन से सारे मार्क्स को रिमूव करने के लिए, आपके स्किन को सॉफ्ट और सपल बनाने के लिए ये एक मिरेकल का काम करता है। अब इन तीनों चीज़ों का हम पेस्ट बना लेंगे, और पेस्ट बनाने के लिए हमें यूज़ करना है वही जो अभी हमने प्रिपेयर करा है, क्यूकम्बर, ऑरेंज और पोटैटो से जो हमने पानी, जो एक्सट्रैक्ट हमें हासिल हुआ है उसका यूज़ करना है। इस मैजिकल एक्सट्रैक्ट को यूज़ करते हुए आपको इन तीनों चीज़ों का एक पेस्ट रेडी कर लेना है। कंसिस्टेंसी ना बहुत ज़्यादा थिक रखनी है ना बहुत ज़्यादा थिन रखनी है, बस ऐसी होनी चाहिए कि ईजिली आप अपने फेस पर, अपनी नेक पर अप्लाई कर सकें। अप्लाई करने के बाद अपने फेस पर, नेक पर आप 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। 20 मिनट्स के बाद आप अपने फेस को वॉश कर लेंगे। पहले आप अपने फेस को थोड़ा सा गीला करेंगे, और बिल्कुल जेंटल हैंड से, कोई ज़ोर नहीं लगाना, जेंटल हैंड से हल्के हल्के रब करते हुए आप इस मास्क को रिमूव कर देंगे। ऊपर से दोबारा ना कोई साबुन यूज़ करेंगे ना कोई फेस वॉश यूज़ करेंगे, सिर्फ नॉर्मल वाटर से आप अपना फेस वॉश कर देंगे। जब आपका फेस ड्राई हो जाएगा तो आप एलोवेरा जेल या जिस भी मॉइस्चराइज़र के लिए आप कंफर्टेबल हैं वो आप अप्लाई कर लेंगे। रेगुलर आपको इस रेमेडी को फॉलो करना है। विद इन अ मंथ आप देखेंगे आपका कॉम्प्लेक्शन भी फेयर होगा, आपके स्किन पर जो भी मार्क्स होंगे वो भी रिमूव होंगे। अगर आपके स्किन पर पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स का प्रॉब्लम है तो वो भी आपका सॉल्व होगा। अगर ये पानी जो आपने इन तीनों चीज़ों से बनाया है ये ज़्यादा प्रिपेयर हो जाए और बच जाए तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं, और नेक्स्ट डे के मास्क में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें पोटैटो ऐड है, लेकिन ये ख़राब नहीं होगा। और आप चाहें तो एक बार में ज़्यादा प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं, आप इनके आइस क्यूब्स बना के अपने पास रख सकते हैं। तो जब तक फ्रेश ऑरेंजेस हैं हमारे पास सीज़न के, तब तक आप फ्रेश पील का यूज़ करें। जब ये सीज़न चला जाएगा तब आप ऑरेंज पील पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेमेडी, होप कि आपको पसंद आई होगी। ट्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।